किताबें किस लिए? ये किताबें तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। भाभी से तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। पर आस पड़ोस में किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी, लोग थू थू करेंगे। औरतें घर का काम करते हुए शोभा देती है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ये मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कहा था ना तुमसे कि अस्पताल में जाकर प्रसव करवा लेते हैं, पर तुमने मेरी एक न सुनी। पता है ऐसे समय में बच्चे और माँ का अस्पताल में होना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, मर्द के हाथों प्रसव कराने में लाज आती है। किसी भी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं है। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। क्या दीजिए दादा, जल्दी से वैजी को बुलाइए। ये तुम क्या कर रहे हो आनंदी? भगवान की भगवती लग रही है। बस आनंदी, ये सब अंधविश्वास होता है। आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और माता भी ठंडा पड़ रहा है ना बाबू? देखिए दीजिए। उठो बाबू, आंखें खोलो, देखो माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा, उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें माँ बुला रही है बेटा। देखिए ना इसे क्या हो गया, ये आंखें भी नहीं खोल रहा और हिल भी नहीं रहा है। उठो बाबू, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ बुला रही है। क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए? हमारा बाबू ठीक तो है ना? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी पड़े।
हमारे सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटता है, समझी? अब चलो गवार। आप मुझे गवार मत बोलिए ना। लगन की बाजी गोपाल राव ने अपनी बीवी को कौन पढ़ाता है भैया? अरे कल को पढ़ लिखी उन्हीं के सर पे नाचेगी ना महंगा। कलयुग है भैया कलयुग, चक्कर में पूरी दुनिया देखने में पताल पे जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बेहतर। अब चलो। अगर दिल राजी है, अगर आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? तब इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम ऐसी की गवार की गवार। अब मैं गवार नहीं रही। को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद 11 मार्च 1886 को उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। आज मेरे हाथ की डिग्री नहीं बल्कि उस मेरे कल की चाबी है जिस पर आज तक अंधविश्वास और नकारात्मक सोच का ताला लगा हुआ था। मेरे देश में हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही कहीं खो गए हैं। मैं चाहती हूं कि सपनों की ये पतंग खुले आकाश में उड़े और हर घर में एक गोपाल राव हो जो कभी इन सपनों की पतंग को कटने ना दे। ये करना कठिन तो है पर असंभव नहीं। आनंदी गोपाल जोशी ने न केवल पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया बल्कि हिंदुस्तान के सुनहरे कल की नींव भी रखी। ऐसा कल जहां औरतें घर की चार दीवारी में कैद न होकर पढ़ लिख कर कुछ।